वेलकम टू माय चैनल रंजन जाना पैनल डेस्क। आज हम आप लोगों को पावर कलेक्टर के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे ये बनता है पावर कलेक्टर, ये आप लोगों को हम दिखाएंगे। जिस बोल्ट में इंसुलेटर लगेगी उसका लेंथ थोड़ा लंबा है, इसलिए हम थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं ताकि बढ़िया से फिट हो वहाँ पे। देख रहे हैं नाट के ज़रिए उसको लॉक करके उसको काट दिया, फिर हम लोग खोल रहा है। चलिए हम फिटिंग करके दिखाते हैं इंसुलेटर। ये एक फिट हो गया, हाथ से ही टाइट हो जाएगा, टाइट हो गया। दूसरे वाला ये भी इधर फिट कर देते हैं, ये भी टाइट हो गया हाथ से ही। ये जम्पर वायर है कॉपर का जो फ्लेक्सिबल है, इसको हम बोल्ट से वॉशर डाल के ऐसे लगा देंगे। ये लग गया, थ्रेड में चला गया, फिर स्पैनर से टाइट कर देंगे। ये टाइट बढ़िया से होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए, एकदम बढ़िया टाइट हो गया। फिर दूसरे जगह जहाँ पे थ्रेड किया हुआ है वहाँ भी हम बोल्ट में प्लेन वाशर डाल के स्प्रिंग वाशर डाल के लगा देंगे। यहाँ पे थ्रेड किया हुआ है, ये लग गया, इसको भी हम रेंच से टाइट करेंगे। ये भी टाइट हो गया, अभी ये रेडी हो गया। देखिए इंसुलेटर और ये पावर कलेक्टर और फ्लेक्सिबल जो जम्पर वायर है ऐसे मूव करेगा, जब क्रेन चलेगा तो फिक्स है, ये वाला ऐसे ऐसे डीएसएल में मूव करेगा। थैंक यू दोस्तों, मेरा पावर कलेक्टर रेडी।